हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पपीता आलू और दाल की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम पपीता को छील लेते हैं। तो मैंने छीलना आरंभ कर लिया है। देखिए दोस्तों, कुछ को मैंने छील लिया है। देखिए दोस्तों, मैंने छील के सबों को कंप्लीट कर लिया है। अब इन पपीता को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। काट लेंगे। देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने पपीता को काट लिया है। ये दोस्तों, मैंने पपीता को काट लिया है। अब आलू को काटेंगे। मीडियम साइज में आलू को काटेंगे। देखिए दोस्तों, आप इसके लिए मसाला भी तैयार कर रहे हैं। इन मसालों को भी सील में पीसेंगे। सब्जी बनाने के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं सील पे। पहले लहसुन को, लाल मिर्च को, सूखा लाल मिर्च है, इसको भी पीस के हम लोग मसाला तैयार करेंगे। मसाला मेरी सास तैयार कर दे रही है इसके सिल पे। गांव में सिल में ही पीसा जाता है। धो ले रहे हैं। मिर्चा और लहसुन को हम लोग पीस ले रहे हैं। सजना का डंठल हमें मिला है, उसको भी सब्जी में मिला ले रहे हैं। पहले नहीं था सो मैंने मिलाया नहीं था, अभी मिला है तो हम इसको भी मिला लेंगे। चूल्हा जला लिया है मैंने। अब कढ़ाई पे तेल भी गर्म हो रहा है हमारा। सरसों का तेल को हम कढ़ाई में डाल के गर्म कर रहे हैं। अब मसाला भी हमारा तैयार है। आंच को थोड़ा कम कर लेंगे। अब मसाला को तेल पे डाल दिए हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसको चलाते रहेंगे ताकि मसाला कढ़ाई में सटे ना। कुछ देर चलाते रहेंगे। अब इसे हमने हल्दी को डाल लिया है। अब फिर से चलाएंगे ताकि मसाला कढ़ाई पे सटे ना।
कटा हुआ सब्जी को डालेंगे। सब कुछ डाल के पहले मिला ले रहे हैं। अब बाकी बचा सब्जियों को भी डालेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने धो धो के सब्जियों को डाल लिया है कढ़ाई पे। अब चलाएंगे ताकि मसाला और सब्जी एक दूसरे से मिल सके। कुछ देर चलाएंगे। ताकि सब्जी में मिक्स हो जाए मसाला। अब आँच भी तेज कर लेंगे और ढक्कन लगा लेंगे थोड़ा भाप हो जाए। देखिए भाप हो रहा है। कुछ देर के लिए ढक के सब्जी पकाएंगे। कुछ देर पहले तो धोया हुआ मछली का दाल डाल देंगे। मैंने कुछ देर पहले इसको धो के रख लिया था। सब्जियों के साथ दाल को भी मिक्स कर लेंगे। नतेंगे देखा बोलो ये बोलो नतेंगे देखा आज के दिखा बढ़ा रही हूँ। अब स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। और एक कप चलाएंगे ताकि नमक की सब्जी को पकाएंगे। देखो दोस्तों, जीरा के साथ पानी डालेंगे। कुछ देर के लिए चला देंगे ताकि मसाला और पानी मिक्स हो जाए। पानी जरूरत के हिसाब से डालेंगे। अब
उबाल आने तक ढक के रखेंगे। उबाल भी आ गया है और सब्जी भी तैयार हो गई है। हमारा सब्जी रेडी हो गया है, उतार लेते हैं। सब्जी हमारा नहीं पक के तैयार हो गया है। आप लोगों को पसंद आए तो